बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। 15 माह के अरसे में पाकिस्तान के सरकारी कर्ज और वाजिबात में 40% इजाफा हो गया। मुल्क पर कर्जों का मजमूई बोझ 41,489 अरब रुपए हो गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट में इंकशाफ। मुल्की कर्जों के हवाले से पार्लियामान में पेश किए गए पॉलिसी स्टेटमेंट में वजीर खजाना ने बताया कि माली साल 2018 के इख्तिताम पर मजमूई कर्ज और वाजबात 290 खरब 87 अरब 90 करोड़ रुपए थे, जबकि सितंबर 2019 तक 410 खरब 48 अरब 90 करोड़ रुपए से तजावज कर गए, यानी इसमें 49% या 110 खरब 60 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। माली साल 2019 के इख्तिताम पर मजमूई कर्ज और वाजबात में 35% या 100 खरब 34,040 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। ये 402 खरब 23 अरब 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि FRDLA चाहती है कि वफाकी हुकूमत वफाकी मालियाती कर्ज को कम करने के लिए इकदाम करे और मजमूई सरकारी कर्जों को दाशमंदाना हदूद के अंदर रखे।